हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आलू से फेशियल करके दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से पोटैटो के साथ में घर पर ही फेशियल कर सकते हैं। ये फेशियल काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपकी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाएगा, साथ ही आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स जैसी चीज़ को रिमूव करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फेशियल को करना। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है हमारा क्लेंजर। क्लेंजर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक आलू ले लीजिए और उसे छील लीजिए। अब एक ग्रेटर की हेल्प से आप आधे आलू को ग्रेट कर लीजिए। अब एक स्ट्रेनर की हेल्प से आप कद्दूकस किया हुआ आलू स्ट्रेन कर लीजिए और उसका जूस जो है वो निकाल लीजिए। आलू में एंजाइम होता है जो कि हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है, साथ ही डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है और हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। अब मैंने यहाँ पर इसका जूस निकाल लिया है। अब क्लेंजर बनाने के लिए इसमें मैं 2 चम्मच दूध और ऐड करूँगी और फिर इसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हमारा क्लेंजर बनकर तैयार है। अब इसको एक कॉटन बॉल की हेल्प से 2 से 3 मिनट के लिए अपने पूरे नेक और चेहरे पर इसे इस तरह से अप्लाई कीजिए जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। क्लेंजर हमारे फेस से डर्ट को रिमूव करके उसको क्लीन करेगा। दो से तीन मिनट के बाद में आप अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से धो दीजिए। और हमारा सेकेंड स्टेप है स्क्रब। इसके लिए जो हमने पहले ग्रेट किया था आलू और जिसमें से जूस निकाला था उसी आलू को हम यूज़ कर लेंगे स्क्रब के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1/2 चम्मच हनी और अब इन दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब हमारा स्क्रब बन जाए फिर आप इसे अपने फेस और नेक पर अच्छे से स्क्रब कीजिए 3 से 4 मिनट के लिए। स्क्रब हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और साथ ही ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जैसी प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है। इस स्क्रब को 3 से 4 मिनट करने के बाद में आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से धो दीजिए और एक ड्राई टॉवल से अपने फेस को ड्राई कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा मसाज। अब इसके लिए आधे आलू को ग्रेट कर लीजिए। और फिर इसके बाद में आप इसके जूस को एक स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल लीजिए। अब मैंने यहाँ पर आलू का जूस जो है वो निकाल लिया है। इसके बाद में इसकी मसाज जेल बनाने के लिए इसमें ऐड कीजिए 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल। और फिर इसमें ऐड कीजिए 1 विटामिन E कैप्सूल का ऑयल और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जो हमारी मसाज जेल है वो बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। इसके बाद में आप इसे पूरे चेहरे और नेक पर कुछ इस तरह से लगा लीजिए और उसके बाद में 10 से 15 मिनट के लिए जेंटली मसाज कीजिए अपने फेस और नेक पर। इससे मसाज करने से आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो लाइट हो जाएंगे, सन टैन रिमूव हो जाएगा, साथ ही जो छोटे छोटे दाने हैं वो भी ठीक हो जाएंगे।
10 मिनट तक मसाज करने के बाद में आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से धो दीजिए और उसे ड्राई कर लीजिए किसी ड्राई टॉल से। फिर हमारा लास्ट स्टेप है फेस मास्क। इसके लिए आधे आलू को ग्रेट करके आप उसका जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद में आप उसमें ऐड कीजिए आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी। अगर आपको मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करती है तो आप इसमें आधा चम्मच बेसन ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें ऐड कीजिए आधा चम्मच हनी। अब इनको मिक्स कर लीजिए। और फिर इसके बाद में थोड़ा थोड़ा दूध करके इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारा जो मास्क है वो बनकर तैयार हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब इसको आप ब्रश या फिंगर्स की हेल्प से अपने पूरे फेस पर और नेक पर अप्लाई कर लीजिए। और अप्लाई करने के बाद में इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। और 10 से 15 मिनट के बाद में आप इसे नॉर्मल वाटर से धो सकते हैं। और लास्ट में आप अपने फेस पर कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए। इस फेशियल को आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। ये फेशियल सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें और ये फेशियल आपकी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाएगा। तो एक बार ही ट्राई करना तो बनता है। और अगर आपको ये फेशियल का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।